का एक जो महापर्व है या विधानसभा 2022 के चुनाव का पांचवा चरण है, अब केवल दो चरण बाकी हैं। 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी, और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने एक रैली में कहा था कि 10 तारीख के बाद सारे विपक्षी दल टिकट करा के बाहर चले जाएंगे देश के, वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव की बातों पे आप विश्वास इसलिए न किया करिए कि 2014 में जो बातें उन्होंने कही वो सब खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। 2017 में जो उन्होंने बातें कही वह केवल जीवों का लपा लप रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बुआ भतीजे दोनों मिल गए तब भी सपा का कहीं अता पता नहीं चला। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी की बात पर कोई भरोसा करे, श्री राहुल गांधी जी की कोई बात पर भरोसा करे, मायावती जी की बातों पर कोई भरोसा करे, प्रियंका मैडम की बातों पर कोई भरोसा करे, तो आप भी अपना समय खराब ना किया करें। उनकी बातों पर कभी भरोसे लायक कोई बात रही हो, और जब कोई इस तरह की बातें करे तो उनसे पीछे पलट करके, जब 2014 में वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गठबंधन के अपने 2 सदस्यों के साथ 73 सांसद जीते, 2017 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे कहते थे हमने अच्छे काम किए हैं तो हम 325 विधानसभा सीटों पर जीते और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया, और 2019 में सारे मिलकर के लड़े, तब भी जो गांधी परिवार अपनी राजधानी समझता था, श्री राहुल गांधी को अमेठी में हराए और कन्नौज में श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जी को हराए, और सारा जो ये अपनी जागीर समझते थे वहां कमल का फूल खिल चुका है। अब गुंडों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, अपराधियों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, माफियाओं के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, दंगों करने वाले दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, तुष्टिकरण करने वाले तुष्टिकरण के बल पर राजनीति करना चाहते हो वो नहीं किया जा सकता। अब एक ही रास्ता है कि जनता की जो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उसके संकट के समय उसके साथ खड़ा होगा, जनता उसे अपना आशीर्वाद देगी। सर, पिछले दिनों एक रैली में बुलडोजर, 4 बुलडोजर खड़े हुए थे, तो मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि मेरी रैली में तो बुलडोजर भी खड़े हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर में इस बात का जिक्र किया, तो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, विपक्ष पर निशाना साध रहा है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ विपक्ष की किसी बात पर आपको इसलिए बहुत सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर हमने किसी गरीब के घर पर नहीं चलाए। जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर, गरीबों की जमीन पर, किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया था सत्ता की हनक में, उनको खाली कराने का काम और उसे खाली करा करके वहां पर गरीबों का मकान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और 10 मार्च के बाद वह बुलडोजर हो, जेसीबी हो, वह अवैध कब्जों को हटाने के लिए चलता रहेगा। चार चरणों में तो हम प्रचंड बहुमत से आगे चल रहे हैं, बाकी चरणों में भी आगे रहे। एनआई को ले लें, एनआई को ले लें, कोई बात सर, कमल, अरे एक एक दे रहे हैं ना हम आपको, 1-to-1 दे रहे, कोई बात, आइयो उधर कर लेते, आइए आइए सर, ये कर लेते, ये फैमिली खड़ी है सर, लाइव है सर। बीजेपी के विकास को सिरातों की जनता वोट देगी या जाति क्वेश्चन यहाँ पर हावी रहेगा? देखिए, जातिवाद तो पूरे देश से खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है। अगर जातिवाद की राजनीति का कोई महत्व होता उत्तर प्रदेश में तो हमारी 2014 से विजय यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती, और जो 2014 से हमारी विजय यात्रा प्रारंभ हुई है और सारे विरोधियों ने सारे तिकड़म अपना करके नहीं रोक पाए, इसका मतलब अब जातिवाद पर नहीं, विकासवाद पर, गरीबवाद पर, रोजगारवाद पर, जो तमाम इस देश के हित में, प्रदेश के हित में जरूरी है, उन विषयों को लेकर के यहाँ पर वोट डालने का काम होगा। सर, ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, पल्लवी पटेल आपके सामने है, मंसूब है, काफी मुकाबला जो है इस बार काफी कड़ा मुकाबला है। आप चिंता मत करो, 10 तारीख को कमल खेलेगा, भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीता है। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर सरकार बनाएगी। आइए।